देखिए, रेड कार्ड जो है एक तरह से आवाम को जो है, जनता को जो है, वो डराने धमकाने के लिए और पूरा एक षड्यंत्र के नाते, एक सोची समझी स्कीम के नाते, सोची समझी साजिश के नाते जो है, वो आपके थाना अध्यक्षों ने फर्जी छपा कर, मतलब है कि उसमें कोई ना साइन है ना मोहर है, कुछ नहीं है, और इस तरह से जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। और ऐसा नहीं कोई बड़े पैमाने पर किया गया है, ये थोड़े पैमाने, छोटे पैमाने पर नहीं है, छोटे स्तर पर नहीं है, बड़े पैमाने पर जो है, एक एक गाँव में दो दो ढाई ढाई सौ तीन तीन सौ रेड कार्ड जो है दिए गए हैं। तो ये सिर्फ एक डराने धमकाने का वो है कि इस तरह से लोग जो है वो बूथ पर नहीं आए और ये बाहर चले जाएं, यही तरफ कहा जा रहा है उनसे कि आप लोग जो है एरिया छोड़ दें और आप कल वो क्या नाम, बूथ पर नहीं दिखाई दें, ना बूथ पर वोटिंग करेंगे, आप लोग बाहर चले जाएं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स अकाउंट भी पोस्ट करी है बुरके को लेकर, क्या कुछ कहना है? नहीं देखिए, भुड़के को लेकर का पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जो ट्वीट किया है वो अपने ट्विटर से वो बिल्कुल सही किया है। तो देखिए, पुलिस को कोई राइट नहीं है, ये हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है कि पुलिस को किसी आईडी को चेक करने के लिए, चाहे वो महिला की आईडी हो या आपका पुरुष की आईडी हो, किसी भी जब आईडी को चेक करने का कोई हक ही नहीं है किसी तरह भी। और अगर वो क्या नाम करते हैं, जैसे अभी महिला हैं, इनका बुरका उठाओ, इनका नकाब हटाओ, तो ये जो है ना इस तरह का बहुत एक घिनौना काम करने की सामने आती है, और इससे जो है ये कहीं ना कहीं घेरे में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटने का काम किया है, ये पूरा जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है। जब जिस तरह से पर्चियों का वितरण नहीं किया गया, हमेशा चुनाव आयोग पर्चियाँ बंटवाता, हमेशा चुनाव आयोग जो है पूरा ये कहता है कि नहीं पर्चियाँ ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग की पर्ची है उसको आप दीजिए। तो ये बीएलओ को इन्होंने जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बीएलओ तो दूसरे हैं ही नहीं, पहले ही इन्होंने हटा दिए, अब बीएलओ बेचारे पता नहीं पर्ची उन्हें अब आखिरी दिन है आज, आज आखिरी दिन में कहाँ से पर्ची उन्हें दे देंगे और कहाँ से वितरण हो जाएगा पर्ची का। तो मुझे लगता नहीं कि इनके कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो है इनकी उससे पारदर्शिता की बुनिया रही, ये पूरा मनमाने ढंग से जो है ये घोटाला घोटाला करने की साजिश है, और पूरा स्पष्ट है बिल्कुल ये घोटाला करना चाहते हैं। देखिए, इन सारी परिस्थितियों में, सारे हालात में जो जनता के सामने हैं, डराना, धमकाना, हड़काना, बुलाकर थानों पर, रास्ते में चेकिंग, बड़े पैमाने पर जो है उनको प्रताड़ित किया करने का काम किया है। मैं अपनी भोली वाली जनता से चेत किए कहना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से, किसी तरह भी जो है नर्वस ना हो, किसी तरह से जो है वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और अपना मतदान करें, और किसी तरह से अगर बाहर के कुछ, जिस तरह से इनकी साजिश है, जिस तरह से सूचियां इन्होंने बना के दी गई हैं कि ये सपा के लोग हैं, इनको पता नहीं वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा, इनको रेड कार्ड दे दिए हैं, इनको वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा, तो इस तरह के मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी इस आवाम से, 29 कुंदर की, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। और मैं आखिर में ये एक बात और कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से कि अपने दिल की आवाज़ पर, अपने दिल पर हाथ रख लें कि इस सरकार के खिलाफ जो है हमको वोटिंग करनी है या इस सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी है, ये उनका दिल जानता है। अपने दिल पर हाथ रखकर वोटिंग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।